कभी कभी बाहर का कुछ खाने का दिल करता है और बच्चे भी जिद कर बैठते हैं कि हमें रेस्टोरेंट जैसा कुछ खाना है। तो चलिए आज हम उसी के लिए एक रेसिपी लेकर आए हैं। एक ब्रेड ले लेंगे, आपके पास जो भी ब्रेड है अवेलेबल वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी वाली ब्रेड ले ली है और इस पे लगाएंगे हम। इसे अच्छे से फैला कर पूरे ब्रेड पे लगा लेंगे कुछ इस तरह से। जो पनीर हमने कट करके रखा था हम वो छोटे छोटे पीस इस पे लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए पूरे ब्रेड पर हमें ब्रेड पनीर को इसी तरह से फैला के लगा देना है। ये खाने में बहुत टेस्टी बनने वाला है। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे कि हमने ये बनाया कैसे है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। ये देखिए पनीर को हमने फैला दिया है। अब हम ले लेंगे चीज़, आपके पास जो भी चीज़ है आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर जो मेरे पास थी मैंने वही ली है और इसे कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह का ग्रेटर हो आपके पास तो आप मीडियम वाला लें, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। और आपके पास चीज़ वाला ग्रेटर है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और चीज़ को कुछ इस तरह से हम फैला देंगे। ये देखिए जितनी चीज़ हमने ग्रेट की थी वो हमने अच्छे से फैला दी थी, तो हमें अभी थोड़ी सी कम और लगी थी इसलिए हमने थोड़ी सी इसको ग्रेट कर लिया है। और इसे ही अच्छे से किनारे ढककर फैला देंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम सोलर पिज्ज़ा। और लेंगे ओरेगानो। अगर यहाँ आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज़ नहीं किया है। इसे रख लेंगे हम नॉन स्टिक तवे पर। इसी तरह से हमें इसके ब्रेड को भी तैयार कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहाँ पर फैला देना है। देखिए अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पनीर, जिस तरह से हमने पहले वाले ब्रेड पर ऐड किया था उसी तरह से बिल्कुल पूरे ब्रेड पर फैला देंगे। अब लेंगे हम ग्रेटर कर लेंगे। अब अपने हिसाब से यहाँ पर चीज की क्वांटिटी ज्यादा या कम रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चीज भी पसंद है तो आप यहाँ पर चीज ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी प्रोसेस से कर लिया है। ये देखिए जो हमारे ग्रेटर में चीज लगी थी उसे भी हम हाथ से छुटाकर ब्रेड पर ऐड करेंगे। और जो हमारी इधर उधर गिरी है हमारे बर्तन में दूसरे, उसे भी हम ब्रेड पर ही लगा देंगे। अब हम इस पे लगाएंगे डालेंगे ओरेगानो और सोलर पिज्जा। और आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक ब्रेड को और बनाएंगे और इसे रखेंगे नॉन स्टिक तवे पर। इसे रखेंगे हम ढककर। हमने यहाँ पर दो तवों का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर याद रखें अगर आप एक यूज़ करेंगे तो हमारे ब्रेड नीचे से जो है जल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर याद रखें दो तवों का यूज़ करें। इन्हें मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक हम पका लेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, हमारे पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार हैं ब्रेड के। अब हम इनकी करेंगे प्लेटिंग। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह के लग रहे हैं, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। मैं पहले इन्हें थोड़ा सा कट कर लूँगी दो पीस में। ये बिल्कुल कुरकुरे होके सीख गए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह के लग रहे हैं।